ज्यादा दिन के लिए हमें यहाँ कोई भी बंद नहीं कर सकता। याद है ना मिस्टर मीट, हम दोनों यहाँ पहले भी बंद थे, तो ग्रैंडपा जेसन और रॉड ने आकर के हमें बचा लिया था। तुम फिक्र नहीं करो मीट, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। याद है मुझे कि ग्रैंडपा हमें बचाने आया था, मगर इस दफा हमें कौन बचाएगा? ग्रैंडपा तो हमारे साथ ही बंद है। ग्रैंडपा बराबर वाले खाने में मजे से लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था। अरे परेशान मत हो मिस्टर मीट, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। जेफ द किलर है ना, वो हमें बचाने जरूर आएगा। लेदर फेस ने जेफ द किलर को जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से जेफ का ज्यादा खून बह गया था। जेफ द किलर अभी बेहोश था, पुलिस इसको पकड़ करके हॉस्पिटल ले आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये बेहोश हो गया है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंडी ने कहा, डॉक्टर साहब जेफ द किलर बहुत ही खतरनाक है, इसी वजह से हमने इसको बांधा हुआ है। आज से पहले ये आज तक पकड़ा भी नहीं गया। आपने होशियार रहना है कि कहीं ये भाग ना जाए। ये जैसे ही होश में आए आपने मुझे कॉल करके फौरन बताना है। ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है ये ग्रैंडपा और ग्रैनी के बारे में ही जानना चाहते हैं। अरे पकड़े गए तुम्हारे मम्मी डैडी, दोनों जेल में हैं। हमें ग्रैनी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि अब हमें क्या करना होगा। ग्रैनी के पास हम कैसे जा सकते हैं? एक प्लान है मेरे पास। ग्रैनी जब बड़े साइज की हो गई थी तो उसने तो लतीफा फैमिली का घर बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैंडी लतीफा फैमिली को अपने घर लेकर के आ गई थी। मैंडी ने कहा कि जब तक आप लोगों के दूसरे घर का इंतजाम नहीं हो जाता, आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ आप लोग सेफ हैं और यहाँ मेरे अलावा कोई रहता भी नहीं। अरे स्वीटू, ये मैंडी तो बहुत अमीर है, इतना बड़ा घर। पुलिस स्टेशन के बाहर जेसन और रॉड पहुंच चुके थे। जेसन ने रॉड को कहा, एक बार फिर सोच लो रॉड, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं। कुछ नहीं होगा मुझे जेसन, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ग्रैनी से मिलकर के थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अच्छा तो तुम अपना मास्क उतार करके जा रहे हो। और नहीं तो क्या, मुझे बगैर मास्क के कौन पहचानेगा। फिर रॉड द आइसक्रीम मैन ग्रैनी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। पुलिस स्टेशन के अंदर दो लेडी पुलिस खड़ी बातें कर रही थीं। फिर वहां पर रॉड आ गया। जी सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरा नाम सोलिवान है और मैं यहाँ ग्रैनी से मिलने के लिए आया हूँ। ग्रैनी से मिलने? आपको क्यों मिलना है ग्रैनी से? मैं ग्रैनी का पुराना दोस्त हूँ और बहुत दिन से उससे मिला नहीं हूँ। ओके सर, ये ग्रैनी से मिलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये ग्रैनी के फ्रेंड हैं, बहुत पुराने। ठीक है, इनसे फॉर्म फिल करा लो सर, मगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ग्रैनी से मिल सकते हैं। इनको मीटिंग रूम में लेकर के आओ, मैं ग्रैनी को लेकर के आता हूँ। लॉकअप में ग्रैंडपा और मिस्टर मीट दोनों आराम कर रहे थे, मगर ग्रैनी गुस्से में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब जेफ, जेसन और रॉड इसको बचाने के लिए आएंगे। ग्रैनी, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने आया है, मगर कौन है वो? कोई दोस्त है तुम्हारा, खुद ही देख लेना, चलो बाहर निकालो इसे। अरे ग्रैनी, कौन आ गया तुमसे मिलने के लिए? मुझे क्या पता कौन आया है, मिल करके आती हूँ फिर बताती हूँ कौन था। ना जाने कौन आ गया है मुझसे मिलने, अच्छा भला बैठी हुई थी। मैंडी के घर में दादा अबू मजे मजे के किस्से सुना रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे। ये लोग अब मैंडी के घर में महफूज थे, क्योंकि ग्रैनी, जेफ द किलर, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट पकड़े जा चुके थे। टूटू ने कहा, मैंडी बहुत दिन हो गए हम लोग सब मिल करके कहीं घूमने नहीं गए।
मैंडी ने कहा, अभी तो मुझे पुलिस चीफ ने बुलाया है, मगर ठीक है, संडे वाले दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, उस दिन हम लोग कहीं बाहर चलेंगे और खूब मजे करेंगे, ठीक है। ये सुनकर के टूटू और स्वीटू दोनों खुश हो गए। ग्रैनी, मुलाकात के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, ठीक है? ठीक है, मगर ये तो बताओ, ये है कौन? मैं इसको पहचान नहीं रही, मेरी नजरें थोड़ा कमजोर हैं। कौन हो भाई, अपना नाम तो बताओ। अरे ग्रैनी, गौर से देखो, मैं हूँ सुलेवान, तुमने पहचाना नहीं मुझे? कौन सुलेवान? तुम क्या रॉड सुलेवान हो? अरे आहिस्ते बोलो ग्रैनी, क्या हो गया है तुम्हें, मरवाओगी क्या? बड़ी अजीब सी शक्ल है तुम्हारी, मैंने तुम्हें कभी मास्क के बगैर नहीं देखा, ये बताओ मुझे बचाने क्यों नहीं आए अभी तक? अरे ग्रैनी, हम तुम्हें बचाने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ जेसन और मैं ही तो हूँ। क्या मतलब सिर्फ तुम तो हो, जेफ द किलर कहाँ चला गया? अरे ग्रैनी, लेदर फेस ने हम पर हमला कर दिया था, जिससे जेफ द किलर जख्मी हो गया था, फिर वहां पर पुलिस आ गई और जेफ द किलर को पकड़ के ले गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जेफ तुम्हारे पास नहीं तो कहाँ है? मैंडी पुलिस स्टेशन आ चुकी थी। हेलो मैडम। हेलो, ये बताओ क्या पुलिस चीफ आ चुके हैं? जी मैडम, वो अभी अभी आए हैं। मैंडी पुलिस चीफ से मिलने के लिए अंदर चली गई। रॉड आइसक्रीम मैन अभी भी बैठा अंदर ग्रैनी से बातें कर रहा था। जेसन ने देख लिया था कि मैंडी यहां पर आ चुकी है, इसलिए वो गाड़ी से उतर करके हमला करने के लिए रेडी था। जेफ द किलर पकड़ा गया और वो पुलिस स्टेशन में नहीं है तो फिर कहां है? अच्छा, तो वो जख्मी हुआ था ना, तो यकीनन वो हॉस्पिटल में होगा। तो जाओ, तुम जेसन के साथ जाकर के उसको छुड़ा लो, वहां हॉस्पिटल में सिक्योरिटी कम होगी। सर, कैसे हैं आप? आपने मुझे बुलाया। मैंडी, प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ास करके तुम्हें और लतीफ़ा फैमिली को अवार्ड देने का फैसला किया है, क्योंकि तुम्हारी मदद से ग्रैनी पकड़ी गई। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर सर मुझे असल खुशी तो तब होगी जब जेसन और रॉड भी पकड़े जाएं। आइए सर, मुझे ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट से कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है ग्रैनी, मैं जेफ को बचाने की कोशिश करता हूँ। रुको रॉड, हमें और भी किसी की जरूरत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ बंद है, तुम जाकर के उसको आजाद कर दो। क्या ग्रैनी, तुम जानती थी मेरी माँ कहाँ है, फिर आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी रॉड, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मुझे लगता है कोई आने वाला है। मैंडी और पुलिस चीफ जब लॉकअप की तरफ आए तो मैंडी ने देखा कि ग्रैनी तो लॉकअप में है ही नहीं। सर, यहां पर ग्रैनी नहीं है। हेलो मैंडी, ग्रैनी तो भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंडी इसकी बात का यकीन नहीं करें, झूठ बोल रहा है ये। चुप करके खड़े हो जाओ। मैंडी, ग्रैनी से मिलने के लिए कोई उसका दोस्त आया हुआ था, हम ग्रैनी को लेकर के मीटिंग रूम में गए हैं। क्या, ग्रैनी से मिलने के लिए कोई उसका दोस्त आया है? फौरन से चलो, इससे पहले कि ग्रैनी भाग जाए यहां से। सब मीटिंग रूम की तरफ भागे, मगर बहुत देर हो चुकी थी, रॉड आइसक्रीम मैन यहां से जा चुका था। शुक्र है ग्रैनी यही है। अरे क्या हो गया है, मैं कहां जाऊंगी? कौन मिलने आया था तुमसे ग्रैनी? था एक पुराना दोस्त, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम बताओ कौन आया था इससे मिलने, क्या नाम था उसका? मैडम, उसका नाम सुलेवान था। सुलेवान? कौन सुलेवान? रॉड सुलेवान।